हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू अग्रवाल फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड टुडे टॉपिक स्पेशिएशन। स्टूडेंट, व्हाट डू मींस बाय स्पेशिएशन? द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज इज डेवलप फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मीनिंग होता है कि पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज को प्रोड्यूस करना। अब बेटा, स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है? ए स्पीसीज इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ द सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड्स अमंग्स ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्टूडेंट्स, अब बेटा, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, स्पेशिएशंस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया या इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी। स्पेशिएशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइज द अर्थ बायोडाइवर्सिटी। मैनी फैक्टर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। फर्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। स्टूडेंट्स, जियो मीन्स अर्थ, इट मीन्स अर्थ के अंदर जो भी बैरियर है हमारे, लाइक द माउंटेन्स, रिवर, लेक, ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यू टू एनी फिजिकल बैरियर। सेकेंड वन इज़ द एक्यूमिलेशंस ऑफ वेरिएशन। द एक्यूमिलेशंस ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज। एक्यूमिलेट करना, कहने का मीनिंग है कि यदि अगर किसी जनरेशन के अंदर कोई चेंजमेंट आया है और उस चेंजमेंट को एक लॉन्ग पीरियड तक बनाए रखना, एक्यूमिलेट करना, उसको हम बोलते हैं एक्यूमिलेशंस ऑफ वेरिएशन। थर्ड वन इज़ द फिजिकल बैरियर। फिजिकल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज मे गेट सेपरेटेड बाई फिजिकल बैरियर्स लाइक द माउंटेन, रिवर, लेक एक्सेट्रा। इनके कारण अगर किसी स्पीसीज में कोई चेंजमेंट आया है तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल बैरियर। अब द आइसोलेशंस या आइसोलेटेड ग्रुप्स देन प्रोड्यूस वेरिएशन इन न्यू स्पीसीज। देन नेक्स्ट वन इज द नेचुरल सेलेक्शन। स्टूडेंट्स, द वेरिएशन कॉज ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन। नेचर ने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है और उसे सर्वाइव करवाया है उसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। देन नेक्स्ट वन इज़ अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स लीडिंग टू द एक्यूमिलेशन ऑफ चेंज इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।